अभी तक तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलेगा वो सामने रिवील होगा। फिर सर पोस्टमार्टम में क्या क्या खुलासा हुआ कि कितने जख्म के निशान जो है वो शरीर पर है, कितने वार किए गए? नहीं वैसे तो आप हम इतना सारा डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन कुछ वार किए गए हैं। ये धागा हथियार से? हाँ धागा सर। दो टीमें वहाँ कार्यरत है क्या? मुंबई के बाहर भी कुछ टीमें? महाराष्ट्र के बाहर? कर्नाटक के बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र के बाहर की बोल रहा हूँ। यहाँ तो तीन टीमें हैं, वहाँ दो टीम है। क्या पुलिस को उम्मीद है कि आगो भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए? उम्मीद है, विश्वास है। कितनी टीमें बनाई गई हैं? दो टीमें वहाँ कार्यरत है क्या? मुंबई के बाहर भी कुछ टीमें? महाराष्ट्र के बाहर? कर्नाटक के बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र के बाहर की बोल रहा हूँ। यहाँ तो तीन टीमें हैं, वहाँ दो टीमें हैं। क्या पुलिस को उम्मीद है कि आगो भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए? उम्मीद है, विश्वास है। क्या इस बात का शक है कि उसने पहले 5 साल पहले से ये प्लानिंग की थी ताकि वो ये सीनियर PI होते हैं उगन पुलिस स्टेशन के, जो बता गए कि किस तरीके से दो टीमें बेंगलोर में है, तीन टीमें यहाँ पर बनाई गई है, उन्हें उम्मीद है कि आगो भी जल्द से जल्द गिरफ्तार होगा। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए ACP नेहुल जी भी हैं। सर ये जानना चाहूंगा क्या ऐसी कोई बात का शक है कि जो आरोपी है जब वो जेल में था 5 साल तब से ही वो ऐसी कोई प्लानिंग कर रहा था कि वो बाहर निकलेगा और वो बदला लेगा? नहीं अभी तक तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलेगा वो सामने रिवील होगा। फिर सर पोस्टमार्टम में क्या क्या खुलासा हुआ कि कितने जख्म के निशान जो है वो शरीर पर है, कितने वार किए गए? नहीं वैसे तो आप हम इतना सारा डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन कुछ वार किए गए हैं। और ये धागा हथियार से? हाँ धारदार हथियार से। सर जब लाश मिली तो वो बहुत ही भयानक कंडीशन में थी, इतनी विभत्स घटना हुई है कि कोई इंसान ही काम नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कोई हैवान या दानव ऐसा काम कर सकता है, तो जब लाश मिली तो क्या वो पहचानने की सिचुएशन में नहीं थी कि उसे पहचाना जा सके? पहचाना जा सकती थी, लेकिन अभी मैं इन्वेस्टिगेशन जबकि जारी है सब आपको डिटेल्स नहीं शेयर कर सकता क्योंकि उससे आगे कुछ लीड लीक हो सकती है। लेकिन कुछ अहम सुराग जो है दाऊद शेख के बारे में वो पुलिस को हाथ लगे? मैं वो नहीं बता सकता अभी सब। लेकिन उसी ने हत्या की है, इसको लेकर के पुलिस का शक जो है वो उसी पर है दाऊद शेख? नहीं मैं अभी कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में। तो ACP विशाल नेहुल जो बता रहे थे जांच किस तरीके से आगे बढ़ गई है और दाऊद शेख कभी भी पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है। अभी हमने मेरे स्थानीय विधायक मित्र महेश बाल्दी के साथ में यशस्वी शिंदे के परिवार से मुलाकात की, उनकी माताजी, पिताजी और रिश्तेदारों को हमने वचन दिया है बहुत ही जल्दी जो भी आरोपी हो, फिर वो मोहम्मद दाऊद शेख हो, उनके सहयोगी हो, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और शेड्यूल कास्ट एक्ट के अंतर्गत एट्रोसिटी एक्ट भी लागू किया जाएगा। 3 महीने पहले इसी जगह पर यहां से नजदीक में इसी प्रकार से मानकुर्द की 27 साल की पूनम क्षीरसागर को इसी प्रकार से फंसाया गया था, भगाया गया था और फिर ऐसी हत्या यहां पर ही हुई थी उरण एरिया में। उनको गिरफ्तार किया गया, आज भी वो जेल में बंद है। ये एक प्रकार की लव जिहाद की जितनी भी घटनाएं होती है, प्रेम करना उसके ऊपर हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रेम का नाटक करना, उनको फताना, उनको भगाना, एक्सप्लॉइट करना और फिर छोड़ देना, और अगर वो लड़की जिद्द करती है तो उनकी हत्या करना, ये लव जिहाद के खिलाफ जल्द से जल्द एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कानून सरकार ने लाना चाहिए, ऐसी पुनः एक बार मैं मांग करता हूँ। परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगा रहा है, वो कह रहा है जिस तरीके से तेलंगाना में एनकाउंटर हुआ वैसा एनकाउंटर आरोपी का हो तब जाके उन्हें इंसाफ मिलेगा, सरकार किस तरीके से वचन बता? ये बात सही है, रिश्तेदारों ने हमें कहा कि कोर्ट में तो मामला लंबा चलेगा, जितने हमारी बहन की हमारी लड़की की जिस प्रकार से हत्या की है उसका इसी प्रकार से, तो मैं न्यायालय से प्रार्थना करूंगा, सरकार से महेश बाल्दी और मैं प्रार्थना करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द ही फांसी हो। क्या ये ऑर्गेनाइज काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि लव जिहाद का मामला उसके ऊपर से SC ST OBC इन तमाम जाति के लड़कियों को फंसाना, क्या ये ऑर्गेनाइज क्राइम है? ये वास्तव में इस प्रकार की एक मेंटालिटी बन गई है, साइकोलॉजी,
हिंदू भक्त, पिछड़े समाज की, गरीब हो, दलित समाज की हो, इस प्रकार से फुसलाते हैं, फंसाते हैं, फिर उनका शारीरिक उपभोग करते हैं, फिर भगा कर ले जाते हैं, फिर वो लड़की जिद करती है तो हत्या की जाती है। एक साइकोलॉजिकल लव जिहाद, जैसे आपने देखा होगा लैंड जिहाद, वोट जिहाद, ये एक प्रकार की एक फॉर्मूला बनती जा रही है, उसको कुचलना होगा। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए यशस्वी के पिता सुरेंद्र जी मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि 25 तारीख को क्या कुछ हुआ, आप वो बताएं। 25 तारीख को मेरी लड़की सहेली के घर गई, वो वापस नहीं आई। तो आपने उस सहेली से बातचीत की तो क्या वो उसके पास मिलने गई थी? मिलने के बाद वो सहेली को बोली मैं घर जा रही हूँ। आखिर बार आपकी क्या बातचीत हुई, क्या कहा था यशस्वी? नहीं सर, मैं तो सुबह जॉब पे निकल गया था, वो सोई थी वो। आपको हत्या के लिए किस पर शक है और क्यों, क्या वजह? सर शक की तो वजह नहीं, कंफर्म वही है, दाऊद शेख। दाऊद शेख क्या है मालूम है क्या? दाऊद शेख के फोटेज पुलिस वाले को मिल चुकी है। अच्छा, उन्होंने बोला है कि 100% वही है, तो इसलिए उनकी जांच पूरी तरीके से चालू है। उन्होंने बोला है हम 100% उसको लेके आएंगे, और वही है, वो 100% हो चुका है। अभी आप जो भी आ रहा है वो उसी बात के बाद। दाऊद ने इससे पहले भी कभी छेड़खानी की थी? छेड़खानी दाऊद ने इससे पहले भी कभी? सर वो 2019 की बात मैं आपको बताया। माता जी, मैं आपसे सिर्फ जानना चाहूंगा कोई ऐसी याद यशस्वी की जो आपको आज भी याद आ गई है, आप बहुत परेशान होंगी उस याद को आज भी सोच के, ऐसे जिसने ऐसी हत्या की उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो बात करने के इसमें नहीं है, इसलिए आप नहीं बोल। आपसे जानना चाहूंगा, आप पिता हैं, आपने क्या कहेंगे कि आपको इंसाफ कैसे मिले, क्या आपको लगता है कि सजा दी जाए उसको? तो कठोर से कठोर सजा अगर हो सके। देखो क्या है, पिताजी अभी इनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो बात नहीं कर पाते। आप जो भी आ रहा है इसी बात पे सवाल कर रहा है, इसलिए सवाल नहीं करने से अच्छा मुझे ये बोलना चाहिए कि इस जो भी घटना हुआ है। मुश्किल घड़ी में देखिए टाइम्स ऑन अबाद आपके साथ खड़ा है, हम आपका दर्द समझते हैं। खाली एक बार जाना चाहूंगा ताकि ऐसा किसी और की बेटी के साथ ना हो, इसीलिए आप क्या चाहते हैं, खाली एक बार हो जाना। पिताजी जैसे बता रहे थे आप पहले कि उन्हें क्या सजा दी जाए? देखो मैं तो चाहूंगा कि उसको मेरे उरन के जो है बहन, मेरी लड़कियां, उनके हवाले करो, या फिर तेलंगाना में जैसा इनकाउंटर हुआ था वैसा उसका इनकाउंटर करो। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो भी मैटर हुआ है इसमें कहीं कोई राजकीय स्टंट नहीं आना चाहिए। हमारा बोलने का मतलब यही है कि हमारे मेरे दोस्त है, उनके भाई है ये, और जो उनकी बच्ची के सदस्य, हम इस परिवार के सदस्य है, हम यही चाहते हैं, सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इस बात को कोई राजकीय स्टंट ना मिले। हमें खाली न्याय मिलना चाहिए, हम यही बात पे ठाम है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का उरण तालुका अध्यक्ष बोल के मैं एक आह्वान करता हूँ सरकार को कि उन्हें अगर नहीं ये किया जाए तो हम उरण में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ तस्वीर लगी हुई है यशस्वी की, मानो वो अभी भी जो है बस किसी भी पल वो तस्वीर से बाहर निकलेगी और बात करेगी, लेकिन अब यशस्वी जो है वो हमारे बीच में नहीं है। और आप सब जानते हैं कि जितनी खूबसूरत इसकी ये तस्वीर है, इस आरोपी ने उसे उतनी ही बेरहमी से उसे जो है स्वर्गवास भेजा है, उसे मौत के घाट उतारा है। माँ बाप जो है फिलहाल इतने ज्यादा गम में है, इतने सदमे में है कि वो अब तक कुछ बोलने की परिस्थिति में नहीं है, लेकिन वो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, और उन्हें इंसाफ उसी से मिल सकता है जब आरोपी को सख्त से सख्त सजा होगी, और आरोपी को कैसी सजा हो ये खुद पिता ने बयां किया है।